हेलो एवरीवन, मैं शशिभूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल्स अगेन। आज मैं फिर क्लास 9 एम एल अग्रवाल सर के बुक से क्वेश्चन 5 लेकर के आया हूं। आइए मैं ट्राई कर रहा हूं और आप लोग भी समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन 1, सिंस 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री इम्प्लाइज ऑफ 65 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। फिर हम यहाँ देख रहे हैं, सिंस 32 डिग्री प्लस 58 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री इम्प्लाइज ऑफ 32 डिग्री प्लस इसे हम उस साइड ले जा रहे हैं, 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री। फिर हम यहाँ देख रहे हैं, सिंस 28 डिग्री प्लस 62 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री इम्प्लाइज ऑफ 28 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री। आइए अब सॉल्व करते हैं। देयरफॉर कॉस 65 डिग्री बाई साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 32 डिग्री बाई साइन 58 डिग्री माइनस साइन 28 डिग्री सेक 62 डिग्री एंड प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू, हमने 65 को चेंज किया था कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, इसे सेम रहने देंगे हम, साइन 25 डिग्री प्लस कॉस इसे हमने चेंज किया था तो हम रखेंगे इसे 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री बाई, इसे सेम रहने देंगे हम, साइन 58 डिग्री माइनस हमने इसे चेंज किया था साइन 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री, अदर हमारा जो है आपका सिक 62 उसे ऐसे ही रहने देंगे सिक 62, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कॉसेक 90 डिग्री मीन्स कॉस का हो जाएगा आपका साइन 25 डिग्री बाई साइन 25 प्लस कॉस मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस 32 और साइन 58, हमने चेंज किया था 32 को और 32 यहाँ किए हम तो यहाँ पे 58 होना चाहिए था 58 डिग्री, तो हो जाएगा आपका साइन 58 डिग्री अब बाई साइन 58 डिग्री माइनस हमने इसे चेंज किया था तो साइन का हो गया आपका कॉस 62 डिग्री इंटू सेक 62 डिग्री एंड प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोग ने चार्ट में देखा होगा, चार्ट से इसे लेंगे हम कॉसेक 30 डिग्री। स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, आइए पहले इसे आप नोट डाउन कर लें फिर हम देखते हैं। साइन 25 साइन 25 मीन्स 1, साइन 35 साइन 35 साइन 58 डिग्री साइन 58 डिग्री 1, अब माइनस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, अब प्लस 2 टू जा 4, 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 4,
2 minus 1 means 1, 1 plus 4 equal to 5, answer. आप नोट डाउन कर लें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं. टू, सिंस 29 डिग्री प्लस 61 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, 29 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 डिग्री और 82 डिग्री, ये दोनों को ले लेंगे हम, इसे और इसे. तो सिंस 8 डिग्री प्लस 82 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री इम्प्लाइज ऑफ 8 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री. हमने दो देखा, अभी एक और यहाँ बाकी है. सिंस 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री इम्प्लाइज ऑफ 17 को हम यही रखेंगे, ये उधर चला जाएगा, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री. एक और हम देख रहे हैं यहाँ पे 38 एंड 52. सिंस 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री इम्प्लाइज ऑफ 38 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री. आते हैं सॉल्व करते हैं अब हम. सिंस sec 29 डिग्री बाई cosec 61 डिग्री प्लस 2 cot 8 डिग्री, हम इसे यहाँ ले आएंगे, इंटू cot 82 डिग्री, फिर बच गया यहाँ पे आपका cot 17 डिग्री, फिर 73 को हम साइड में ले आएंगे, इंटू cot 73 डिग्री, ये यहाँ आ जाएगा आपका cot 45 डिग्री, बच गया माइनस 3 साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री. हमने इसे चेंज किया था sec 29 मीन्स 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री बाई, इसे सेम रहने देंगे हम, cosec 61 डिग्री प्लस 2 इंटू cot 8 को हमने चेंज किया था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉरी cot 90 डिग्री माइनस ये आपका 82 डिग्री होगा, 82 डिग्री, इसे हम लोग ऐसे ही रहने देंगे cot 82 डिग्री. फिर हमने 17 को चेंज किया था, तो cot 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, 73 को हम ऐसे ही रहने देंगे cot 73 डिग्री इंटू cot 45 का वैल्यू 1 होता है माइनस 3, फिर हम यहाँ पर देखेंगे इसे साइन स्क्वायर, चूँकि हमने 38 को चेंज किया था, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, इसे ऐसे ही रहने देंगे हम, प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री. आप इसे नोट डाउन कर लें. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे sec 90 डिग्री माइनस थीटा मीन्स cosec 61 डिग्री बाई, ये सेम रह जाएगा आपका cosec 61 डिग्री
प्लस टू कॉट नाइन मीन्स टेन एट्टी टू डिग्री इंटू कॉट एट्टी टू डिग्री। फिर यहाँ देख रहे हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा मीन्स टेन 73 डिग्री। फिर ऐसे ही रह जाएगा आपका कॉट 73 डिग्री इंटू वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर 52। आइए रह गया आपका प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री। हम यहाँ देख रहे हैं इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस 2 इसका भी वैल्यू 1 हो गया, फिर इसका भी वैल्यू आपका यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, फिर ये 1 रह गया माइनस 3 और इसका भी वैल्यू आपका 1 हो गया। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस सारा का सारा मल्टीप्लाई कर दिए 2 फिर माइनस 3 मीन्स 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। आंसर तो देखिए किस तरह से बना, ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, बशर्ते जितने भी कम्प्लीमेंट्री एंगल से उसको यदि आप अलग अलग सॉल्व कर लेते हो, अलग अलग निकाल लेते हो, तो आपको एक साथ पुट करने में इजी होगा और आराम से सॉल्व होगा। थैंक यू, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।